हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग एक्सेस पॉइंट। दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जॉब रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेके आए हैं, जो कि इन्फोसिस कंपनी का रिक्रूटमेंट वैकेंसी का है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चलिए इसे पढ़ते हैं। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम हैव बीन शेयर्ड बिलो। बीई, बीटेक, एमई, एमटेक ग्रेजुएट्स फ्रॉम ऑल ब्रांचेज आर एलिजिबल टू अप्लाई। आप बीटेक होने चाहिए, बीई होने चाहिए, एमई होने चाहिए, एमटेक होने चाहिए। एमसीए, एमएससी ग्रेजुएट्स फ्रॉम फॉलोइंग ब्रांचेज ओनली आर एलिजिबल टू अप्लाई। और आप एमसीए और एमएससी किए हुए हैं तो आपको इन ब्रांचेज में हैं अगर आप, तो भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स। एकेडमिक क्राइटेरिया शेयर इन द अटैच डॉक्यूमेंट। ऑल परसेंटेजेज सीजीपीए शुड बी ए सिंपल एवरेज फॉर ऑल सब्जेक्ट्स सेमेस्टर ईयर इंक्लूडिंग इलेक्टिव्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट्स, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेज। ग्रेजुएट्स फ्रॉम 2019 एंड 2020 बैचेज आर एलिजिबल टू अप्लाई। कैंडिडेट शुड हैव प्रैक्टिस इन द इन्फोसिस लिमिटेड एंड और इन्फोसिस ग्रुप कंपनी सच एज इन्फोसिस बीपीएम। सिलेक्शन प्रोसेस इन द लास्ट सिक्स मंथ, नो एक्टिव बैकलॉग्स आर अलाउड। द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर दिस रोल्स विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन टू स्टेप्स, इन्फोसिस ऑनलाइन टेस्ट एंड वर्चुअल इंटरव्यू। तो दोस्तों, इसमें दो प्रोसेस होगा, पहला इन्फोसिस ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसके बाद होगा वर्चुअल इंटरव्यू ऑनलाइन। एलिजिबल कैंडिडेट्स हु फिल द फॉर्म विद इन द डेडलाइन विल अंडरगो इन्फोसिस ऑनलाइन टेस्ट। डिटेल्स ऑफ इन्फोसिस ऑनलाइन टेस्ट आर। तो ऑनलाइन टेस्ट में दोस्तों कुछ इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला सेक्शन होगा रीजनिंग एबिलिटी का, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 15 और टाइम एलोकेटेड होगा 25 मिनट्स। दूसरा सेक्शन होगा टेक्निकल एबिलिटी का, क्वेश्चन होंगे 10, टाइम एलोकेटेड होंगे 35 मिनट। सेक्शन थर्ड होगा वर्बल एबिलिटी का, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 20 और टाइम एलोकेटेड होगा 20 मिनट्स। सेक्शन फोर होगा स्यूडो कोड का, नंबर ऑफ क्वेश्चन 5, टाइम एलोकेटेड 10 मिनट्स। सेक्शन फाइव होगा न्यूमेरिकल पजल का, नंबर ऑफ क्वेश्चन 4, टाइम एलोकेटेड 10 मिनट्स। तो दोस्तों, ये कुछ इस तरह का और भी पैटर्न है जिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये है कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे बीटेक और बी के लिए फ्रॉम ऑल ब्रांचेज एज वेल एज एमसीए, एमएससी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स। ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई इफ दे मीट द एकेडमिक क्राइटेरिया शेयर बिलो। 10th में 60% और इक्विवेलेंट होना चाहिए सभी के लिए। 12th में 60% और इक्विवेलेंट होना चाहिए। डिप्लोमा अगर आपने किया है तो 65% होना चाहिए कम से कम। बीई, बीटेक है तो आपका 65% होना चाहिए लगभग। एमई, एमटेक हैं आप तो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन उसके कुछ में एप्लीकेबल है जिसमें 65% होना चाहिए। ऑल परसेंटेज सीजीपीए शुड बी सिंपल एवरेज फॉर ऑल सब्जेक्ट सेमेस्टर ईयर इंक्लूडिंग इलेक्टिव, ऑप्शनल सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड लैंग्वेजेज। इन केस द कैंडिडेट हैज डन बोथ क्लास 12th एंड डिप्लोमा, द बेस्ट ऑफ टू इज टेकन इन टू कंसिडरेशन। नो एक्टिव बैकलॉग्स आर अलाउड। तो दोस्तों, यह है इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। इसमें कुछ और गाइडलाइंस है जो इन्फोसिस ने जारी की है, जो कि है फ्रेशर्स फ्रॉम बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी स्ट्रीम शुड बिलोंग टू 2019 एंड 2020 बैचेज कैन अप्लाई फॉर द रोल ऑफ सिस्टम्स इंजीनियर बाय फिलिंग ऑल द इन्फोसिस ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट फॉर्म में बाय संडे मई 2021। तो दोस्तों, इसकी आखिरी डेट है फॉर्म भरने की 2 मई, जो कि 2021 का 2 मई संडे को पड़ रहा है लास्ट डेट। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जॉब नोटिफिकेशन की। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और भी जॉब नोटिफिकेशन और जीके से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। थैंक यू फॉर विजिटिंग ए चैनल। कीप लर्निंग विथ लर्निंग एक्सेस पॉइंट।